नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा एशेज टेस्ट मैच खेला जाएगा 5 से 9 जनवरी के बीच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 5 बजे से। तो आज की इस वीडियो में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैदान के ग्राउंड रिकॉर्ड्स क्या हैं और इस मैदान पर दोनों कप्तान को टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए। वहीं पर सिडनी के पिच पर कौन से गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर दोस्तों Day 1 to Day 5 सिडनी की वेदर रिपोर्ट क्या है, इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं, और वीडियो के अंत में मैं अपने इस चौथे टेस्ट मैच की विन प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी क्रिकेट फैंस के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चौथे टेस्ट मैच के लिए सिडनी की वेदर रिपोर्ट के बारे में, और यहां से अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों वेदर फोरकास्ट के अनुसार इस टेस्ट मैच में 4 दिन आपको बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि सिर्फ 1 दिन ही मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। तो अगर मैं आपको डे वाइज वेदर फोरकास्ट बताऊं तो जो Day 1 का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है, और इस दिन दोस्तों 91% बारिश की आशंका है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 2 घंटा बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे दिन की जो वेदर फोरकास्ट है वो भी पहले दिन की ही है, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है, और जो बारिश की आशंका है वो भी काफी ज्यादा है 81%, और आपको इस दिन भी 1.5 से 2 घंटा बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पर दोस्तों तीसरा दिन का जो मौसम है वो थोड़ा सा साफ रह सकता है, हालांकि क्लाउडी कंडीशन तब भी रहेंगी, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। वहीं पर जो बारिश की संभावना है वो कम हो जाती है 50 to 55%, और आपको मॉर्निंग सेशन में थोड़े बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाकी का दिन जो है वो पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। चौथे दिन की बात कर लें तो दोस्तों जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है, और इस दिन भी बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा है 71%, और आपको इस दिन भी बारिश अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम पांचवें दिन की बात करें तो यहाँ पर भी जो वेदर फोरकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर तो 26 डिग्री सेल्सियस है, और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस भी रहेंगी। इसके अलावा जो बारिश की संभावना है वो भी काफ़ी ज़्यादा है मॉर्निंग सेशन में, और इसके अलावा आफ्टरनून सेशन में भी आपको शावर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको समराइज्ड वेदर रिपोर्ट बताऊं तो आपको 4 दिन बारिश देखने को मिल सकती है, जहां पर पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन आपको मौसम जो है वो खेल बिगाड़ता हुआ नज़र आ सकता है, और तीसरे दिन आपको उम्मीद है कि पूरा खेल होता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकल पाएगा, क्योंकि अगर इस तरीके की वेदर फोरकास्ट मैच के दौरान भी रहती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस मैच का रिजल्ट निकलना। तो देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये टेस्ट मैच जाता है, लेकिन बारिश से प्रभावित ये टेस्ट मैच ज़रूर रहेगा। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इस चौथे टेस्ट मैच के लिए सिडनी की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले ग्राउंड रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो इस मैदान पर टोटल अभी तक 109 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 47 मैचेस जीते हैं, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 41 टेस्ट मैचेस जीते हैं। लेकिन दोस्तों सिडनी का जो मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेन्यूज़ है, और यहां पर 1882 से टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है। तो इन मैचेस के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने भी हैं, और उनके आंकड़ों को जानकर हमें कुछ खास ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 100 साल पहले या 100 साल पहले जो पिच की कंडीशंस थी और ग्राउंड की जो कंडीशंस थी वो अब की कंडीशन से पूरी तरीके से अलग है। तो अगर हम रीसेंट आंकड़ों की बात कर लें तो जो पिछले 6 टेस्ट मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, यानी कि 2016 से 2021 के बीच में, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैचेस जीते हैं, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता है, और बाकी के जो 3 मुकाबले हैं वो ड्रॉ पे समाप्त हुए हैं। तो ये सिडनी का मैदान ऑस्ट्रेलिया के उन वेन्यूज में से है जहां पर बहुत सारे जो टेस्ट मैचेस हैं वो ड्रॉ पे भी समाप्त होते हैं, क्योंकि यहां पर जो बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती हैं। और अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 दिन यहां पर बल्लेबाजी के लिए जो कंडीशंस हैं, पिच हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। बैटिंग करना एंजॉय करते हैं यहां पर बल्लेबाज, और आपको फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में बड़े बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं, मतलब 500 या 600 रन के आसपास यहां पर स्कोर्स देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लास्ट 6 टेस्ट मैचेस जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए हैं उसके एवरेज स्कोर्स की। तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 438 है, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर गिरकर 323 का हो जाता है। इसके अलावा एवरेज थर्ड इनिंग्स का जो स्कोर है वो 239 का है, और एवरेज फोर्थ इनिंग्स का स्कोर 238 हो जाता है। तो आप ये एवरेज स्कोर्स में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े स्कोर्स बनते हैं, क्योंकि बैटिंग के लिए कंडीशंस पहली और दूसरी पारी में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन तक यहाँ पर बल्लेबाजी करना बहुत ज़्यादा
एंजॉय करते हैं बैट्समैन, और आप देखते हैं कि जो पहली पारी है वहां पर 500 या इसके ऊपर रन टीम्स बनाती हैं, और सेकेंड इनिंग्स में भी 350 या 400 के आसपास टीम्स स्कोर कर जाती हैं। इसके अलावा थर्ड इनिंग्स और फोर्थ इनिंग्स में थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पिनर्स को तीसरे दिन के बाद यहाँ पर हेल्प मिलने लगती है। इसलिए मेरा तो ओपिनियन यही है कि जो भी कप्तान इस मुकाबले में टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। और ओवरऑल रिकॉर्ड्स में हमने ये चीज़ देखी भी है कि इस मैदान पर जिस कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है उसी ने ज़्यादातर मुकाबले जीते हैं। हालांकि सेकेंड इनिंग्स में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसको भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि पहली पारी यहाँ पर दोनों टीमों के लिए क्रूशल होगी, फिर चाहे आप पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करो या फिर सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करो। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की कि इस मैदान पर कौन से बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। तो अगर हम पिछले 6 टेस्ट मैचेस के आंकड़ों की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 76 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने चटका है, जबकि 61 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। तो आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं कि इस मैदान पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को दोनों को लगभग बराबर ही मदद मिलती है। और जिस प्रकार की मैंने आपको वेदर रिपोर्ट में भी बताया था कि क्लाउडी कंडीशंस रहेंगी, बारिश होगी, तो ऐसे में यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, गेंद स्विंग भी होगी, सीम भी होगी। तो आप जो प्रीमियम स्पिनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के इसको भी ले सकते हैं, इसके अलावा प्रीमियम जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पर तीसरे दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। नेथन लायन के जो आंकड़े हैं वो इस मैदान पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको आप अपनी फैंटेसी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। वहीं पर इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स हैं पैट कमिंस, इसके अलावा मिचेल स्टार्क, इनको भी आप अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं, क्योंकि इनके आंकड़े इस मैदान पर भी अच्छे हैं। वहीं पर अगर आप इंग्लैंड से कोई बॉलर रखना चाहते हैं तो आप जिमी एंडरसन को रख सकते हैं, उनके भी आंकड़े सिडनी के मैदान पर अच्छे हैं। और स्पिनर की अगर बात करें तो जैक लीच को भी रख सकते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बैलेंस्ड प्लेइंग 11 बनाना पड़ेगा, जहां पर स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैदान पर दोनों को ही बराबर ही लगभग हेल्प मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में मात्र एक चेंज किया है, जो कि मेलबर्न में इनिंग से टेस्ट मैच जीती थी, और उनको एक फोर्थ चेंज करना पड़ा है, ट्रेविस हेड जो कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से इस टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है, बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह पर उस्मान खवाजा को टीम में शामिल किया है। बाकी की पूरी प्लेइंग 11 सेम रहेगी, जहां पर पहले ये बात चल रही थी कि जॉश हेजलवुड शायद स्कॉट बोलैंड की जगह वापसी कर सकते हैं इस टेस्ट मैच में, पर वो अभी भी खेलेंगे नहीं। इसके अलावा जो झाई रिचर्डसन है वो भी अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए हैं इंजरी से। तो आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 इस प्रकार की नजर आने वाली है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे डेविड वार्नर के साथ मार्कस हैरिस, नंबर 3 पर आएंगे मार्नस लाबुशेन, नंबर 4 पर स्टीवन स्मिथ, नंबर 5 पर उस्मान खवाजा, नंबर 6 पर कैमरॉन ग्रीन, नंबर 7 पर विकेट कीपर एलेक्स कैरी, नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पर नेथन लायन और नंबर 11 पर स्कॉट बोलैंड खेलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों इंग्लैंड ने भी अपनी प्लेइंग 11 में मात्र एक चेंज ही किया है, जहां पर ऑली रॉबिन्सन की जगह उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को शामिल किया है, बाकी बल्लेबाजी में उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया। हालांकि बल्लेबाजी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रही है उनकी सीरीज में, पर फिर भी चौथे टेस्ट मैच में भी वो एक और मौका देना चाहता है अपनी बैटिंग लाइनअप को। तो आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 इस प्रकार की नजर आने वाली है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे जैक क्रॉली के साथ हसीब हमीद, नंबर 3 पर आएंगे डेविड मलान, नंबर 4 पर जो रूट कैप्टन, नंबर 5 पर बेन स्टोक्स, नंबर 6 पर जॉनी बेस्टो, नंबर 7 पर जॉस बटलर, नंबर 8 पर मार्क वुड, नंबर 9 पर जैक लीच, नंबर 10 पर स्टुअर्ट ब्रॉड और नंबर 11 पर जेम्स एंडरसन आने वाले हैं। तो आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस प्रकार की नजर आएगी चौथे टेस्ट मैच में। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बात कर लेते हैं चौथे टेस्ट मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम ये टेस्ट मैच जीतने वाली है। तो दोस्तों अभी तक इस एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां पर उन्होंने पहले 3 टेस्ट मैचेस जीतकर एशेज सीरीज ऑलरेडी अपने नाम कर लिए, और इंग्लैंड का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है। तो सारा दबाव इस समय इंग्लैंड की टीम पर है, और अगर आप सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का इंग्लैंड का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये बाकी ऑस्ट्रेलिया के वेन्यूज़ के कंपैरिजन में अच्छा है, जहां पर इंग्लैंड ने 56 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें से 22 टेस्ट मैचेस उन्होंने इस मैदान पर जीते हैं। तो थोड़ा सा ये उनको उम्मीद जगाएगा। हालांकि पिछले जो 5 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड है वो इंग्लैंड का काफी ज्यादा खराब है, जहां पर इंग्लैंड ने 4 टेस्ट मैचेस अपने पिछले 5 में से हारे हैं और मात्र 1 टेस्ट मैच ही जीता है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने पिछले 5 टेस्ट मैचेस में से 3 मैचेस जीते हैं, जबकि 1 मैच ड्रॉ किया था और 1 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो जो रीसेंट फॉर्म है वो ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही ज्यादा शानदार चल रही है, और इस सीरीज में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर आप सिडनी का वेदर रिपोर्ट देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बारिश की आशंका 4 दिन है, तो बहुत ज्यादा इंटरप्शंस आपको इस टेस्ट मैच के दौरान देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि शायद इस टेस्ट मैच का रिजल्ट ना निकले, क्योंकि बारिश की संभावना काफी ज्यादा है 4 दिनों में, अनटिल एंड अनलेस की ये वेदर चेंज होती है। और सिडनी के जिस हिसाब से पिच का नेचर रहा है पिछले 8 से 10 सालों में, वहां पर भी हमने ये देखा है कि बल्लेबाजी के लिए जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, और स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस मैदान पर विकेट्स को
अटकाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैचेस ड्रॉ होते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर ये टेस्ट मैच वेदर से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है और अगर 3 से 3.5 या 4 दिन का खेल हमको होता हुआ नज़र आ जाता है, तो जिस प्रकार की फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया की टीम है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का ही इस टेस्ट मैच में भी पलड़ा भारी रहने वाला है। इसलिए मेरे इस मुकाबले के जो विन प्रेडिक्शन है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ ही जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये चौथा एशेज टेस्ट मैच जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।